हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी हम उप की थ्योरी यहाँ से आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं क्लास के ऊपर के, तो आई होप सो कि आपको प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन करते हैं आपको समझा होगा। अगर आपको वो अच्छे से समझा है और आपको प्रोग्राम लिखने आते हैं उप के, तो आपको आज से जो हमने थ्योरी टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो समझने में भी आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इसमें पहला ही टॉपिक हम देखते हैं फीचर्स ऑफ उप, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उप। ये टॉपिक हमने जब C++ हमने शुरू किया था तभी भी हमने इसके पॉइंट्स देखे थे, इसको हमने कंपेयर किया था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से, तो सेम टॉपिक यहाँ पे भी आने वाले हैं। तो हो सकता है उस टाइम पे आपके कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं हुए होंगे, तो आज जो हम थ्योरी टॉपिक देखेंगे वहां पे आपके कंसेप्ट क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पहला इसका जो फीचर है वो है एम्फेसिस ऑन डेट रादर देन प्रोसीजर। हमने इसका कंपैरिजन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के साथ किया था। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में फोकस प्रोसीजर के ऊपर होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फोकस होता है यानी एम्फेसिस जो होता है वो डेटा के ऊपर होता है। डेटा हम हिडन रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, ताकि उसे मिसयूज उसका ना हो सके, बट ऐसा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में नहीं होता। जैसे हमारे जो सी लैंग्वेज है, फोरट्रॉन है, उसमें वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है जहां पे डेटा उतना प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। तो जो स्ट्रिंग तक हमने जो टॉपिक पढ़े थे गाइज, वो एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का ही अप्रोच था। वहां पे हम मेन में प्रोग्राम लिखते थे, ज्यादा से ज्यादा हम फंक्शन से प्रोग्राम किए होंगे, तो जो मेन में हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें डेटा उतना प्रोटेक्ट नहीं रहता है, या फंक्शन में भी डेटा उतना प्रोटेक्ट नहीं रहता है। हम बहुत सारे फंक्शन से बड़ा सा प्रोग्राम डिजाइन तो कर सकते हैं, बट आप जो डेटा है आपको ग्लोबल रखना पड़ेगा, और डेटा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में मूव होते रहेगा, और उसका डिसएडवांटेजेस ये है कि आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है या मैनिपुलेट हो सकता है। क्लास में ऐसा नहीं होता है, डेटा को अच्छे से प्रोटेक्टेड रखा जाता है इनसाइड द क्लास, और विदाउट परमिशन आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, यही तो खासियत होती है। और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ही होता है गाइस। डेटा को अगर मैं रियल लाइफ से कंपेयर करूं, तो जैसे आपके लाइफ में पैसा यानी कि मनी जैसे इंपॉर्टेंट होती है, हम पैसे को संभाल के रखते हैं, हिडन रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, ऐसा आपका पैसा हम खुले में नहीं रखते ना गाइस, और एक पर्सन फिर दूसरे पर्सन ऐसा हम ऐसे ही बिना परमिशन हम पैसा किसी को देते भी नहीं है, कुछ काम होगा तभी हम उसको पैसा देंगे एंड सो ऑन। तो जैसे आप रियल लाइफ में पैसे को ट्रीट करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग वाले वर्ल्ड में आपको डेटा को ट्रीट करना है। डेटा हमारा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के पैसा ही होता है, ठीक है गाइस, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। देखो इससे हमने एक प्रोग्राम बनाया था, जैसे कि इस साइड में देखो गाइस, जैसे कि मैं हमने मतलब कैसा प्रोग्राम बनाया था, मैं आपको बस एक सैंपल सा प्रोग्राम यहां पे लिख के रख बता रहा हूं। जैसे कि हमने प्राइवेट में डेटा डिक्लेयर किया था। देखो गाइस, प्राइवेट में जो चीजें होती हैं वो बाहर के लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्लास के अंदर ही वो चीजें यूज होती हैं। पब्लिक में हम कुछ फंक्शंस वगैरह लिखते थे और हमने क्लास को यहां पे खत्म कर दिया। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे ऊप का, ये हमारा एक सैंपल प्रोग्राम भी रहेगा। हम बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसी क्लास से हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्लास का नाम है नंबर, यहाँ पे दो सेक्शन है प्राइवेट एंड पब्लिक। मैंने यहाँ पे इनको डिफाइन नहीं किया है, जस्ट डिक्लेयर किया है, हो सकता है कि उनको डिक्लेयर करके रखा गया है, ऐसा आपको सोचना है। और जो डेटा है देखो यहाँ पे इंटीजर ए, ये बहुत ही सिक्योर कंडीशन में यहाँ पे रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। अब इसे एक प्रोग्राम मान लो गाइस, अगर मुझे इसे अब एक्सेस करना है, मैं इस क्लास को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो एक्सेस हम कहाँ से करेंगे, मेन से करेंगे ना। तो मैंने आपको वो भी सिखाया है कि अगर आपको इस क्लास को एक्सेस करना है तो आपको इस प्रोग्राम के यानी ही इस क्लास के आपको क्या बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने मेन लिखा था, तो देखो गाइस मैंने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बनाए, मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाया है। तो N1 का यूज करके आप गेट डेटा को कॉल कर सकते हैं और गेट डेटा A को एक्सेस कर सकता है, तो आप इनडायरेक्टली A को एक्सेस कर सकते हैं। n.a करके मैं क्या इसमें वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट डेटा है। तो देखो अगर आपको इस प्रोग्राम को यूज करना है तो आपको इसके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, और एक ही ऑब्जेक्ट थोड़ी गाइस, आप ऐसे कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पता है जितने आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने इस क्लास की कॉपी बनती जाएंगी। n1 के लिए अलग एक कॉपी बनेगी, n2 के लिए एक ही अलग कॉपी बनेगी, और n3 के लिए एक ही अलग कॉपी बनेगी। इसलिए यहां पे पॉइंट लिखा है प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, और ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन अलोकेट होती है नंबर के लिए यानी कि डेटा के लिए। बस कॉमन फंक्शंस रहते हैं उसके थ्रू आप उसको एक्सेस करते हैं। तो आगे आगे ये कंसेप्ट भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो देखो गाइस, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन डेटा एंड फंक्शन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनती है इस डेटा की, ओके, और ओरिजिनल हमारा डेटा अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है। तो यही चीजें आपको समझनी है। और देखो फंक्शन, जैसे N1 ने अगर गेट डेटा को कॉल किया ना, तो इसमें अलग ही वैल्यू स्टोर होंगे, भले फंक्शन कॉमन हो गाइस, बट जब भी कॉल जाएगा अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग वैल्यू इसमें स्टोर होंगी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. द डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस बाय द फंक्शन एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट. अगर एन वन ने जो वैल्यू रीड की है एक ही, अब एन टू से वो डिस्प्ले नहीं होगी गाइस. ओके, एन टू ने जो वैल्यू रीड की होंगी गेट डेटा से वही वैल्यू डिस्प्ले होंगी. तो देखो, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डेटा मेमोरी अलोकेटेड होती है. मतलब ही यहाँ पे लिखा गया है द डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस बाय फंक्शन एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट. जिस ऑब्जेक्ट ने जो डेटा रीड किया है उसी से आप उसे डिस्प्ले कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है. तो आपने प्रोग्रामिंग की है ना, हमने इतने सारे प्रोग्राम देखे हैं तो आपको इसके लिटिल बिट आइडिया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन. तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फंक्शन है कौन सा, मेन हमारा एक्सटर्नल फंक्शन है. तो कौन सी वैल्यू प्रोटेक्टेड है जो प्राइवेट में लिखी गई है वो प्रोटेक्टेड है. इवन पब्लिक में भी अगर आप ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाओगे तो क्या इस फंक्शन को आप यूज कर पाओगे, क्या नहीं यूज कर पाओगे. तो यहां पर डेटा हिडन रहता है और प्राइवेट वाला प्रोटेक्टेड वाला डेटा हमेशा हिडन रहता ही है, इसलिए यहां पे ये पॉइंट लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये इजीली मूव नहीं होगा डेटा, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन इजीली मूव नहीं होगा. ऑब्जेक्ट का यूज करके ही आपको डेटा को मूव करना पड़ता है और वो भी बहुत ही सिक्योरली वहां पे होता है. नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शन. अब ये एन वन एन टू और एन थ्री एक दूसरे के साथ गाइस कम्युनिकेट कर सकते हैं. ऐसे प्रोग्राम हमने लिखे नहीं है, अभी तक देखे नहीं है, आगे आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि एन वन का डेटा एन टू के अंदर, एन टू का डेटा एन वन के अंदर कैसे क्या वो एक्सेस कर सकते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद फंक्शन. तो वैसा हम कॉमन सा फंक्शन आगे देखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, तब ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा. फिफ्थ पॉइंट तक तो हमने सब कुछ अब तक क्लियर किया है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन बी इजीली एडेड व्हेनेवर नेसेसरी. अब देखो, अगर किसी ने पूछा ये क्लास क्या करता है, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्लास एक नंबर को रीड करता है और उसे डिस्प्ले करता है. मैं चाहता हूं कि ये क्लास अब दो नंबर के एडिशन करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, ए कॉमा बी लिखना पड़ेगा, दूसरा वेरिएबल मैंने यहां पे ऐड कर लिया और एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बना दूंगा जो इनके एडिशन करेगा. दैट्स इट. कितना आसानी से आप यहां पे डेटा और फंक्शन ऐड कर सकते हैं, आप इसे बहुत ही इजीली मॉडिफाइड भी कर सकते हैं. तो ये थे हमारे कुछ यहां पे फीचर्स. ओके गाइस, और बढ़ते हैं हमारे लास्ट फीचर के तरफ. फॉलोज बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइनिंग. तो आप देख सकते हैं ना, प्रोग्राम में जो भी जरूरी चीजें हैं, वेरिएबल है, फंक्शन है, हम वो पहले लिखते हैं, पहले पूरा हम बना लेते हैं, उसके बाद उसको रन करने के लिए मेन लिखते हैं. और आपको तो पता ही है जब प्रोग्राम रन होता है तो वो कहां से रन होता है, मेन से होता है. तो प्रोग्राम की जो पहली लाइन रन होती है वो व्हाइट मैन, उसके अंदर जो लिखा गया होगा वो. तो देखो, प्रोग्राम नीचे से रन होता है और ऊपर ऊपर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉलोज बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइनिंग. यानी इसका एक्चुअली ये मतलब नहीं है, आप मेन चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं. तो यहां पे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे रियल वर्ल्ड में क्या होता है गाइस, देखो आपको खाना बनाना है, कोई तो भी आपको डिश प्रिपेयर करनी है, तो आप क्या करोगे, वो खाना बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत है पहले वो आप करोगे ना, कि डायरेक्ट बनाना शुरू कर दोगे. डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया मतलब प्रोसीजर, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता ना, आपको प्रोसीजर फॉलो करनी है. बट जो आपको चीजें यानी कि डेटा जो आपको लगने वाला है, पहले आप वो कलेक्ट करते हैं. आपको सच में वो डिश बनानी है, उसकी जरूरत है, वो भी हम सोचते हैं, ऐसी नींद से उठ गए और खाना बनाने की शुरुआत कर दिया, ऐसा नहीं होता है. हमको कुछ ना कुछ हमारा उसके पीछे पर्पज होता है, मोटिव होता है. तो जैसा रियल लाइफ में होता है वैसे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में होता है. तो आपको पहले क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो कैसे काम करेगा, उसके बारे में पहले सोचना, और मेन हमारे लिए क्या करेगा, उस प्रोग्राम को रन करने का काम करेगा. तो ये प्रोसीजर वो रन करके दिखाएगा. जैसे रियल लाइफ में हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम करते हैं. तो हर चीजें किसी ना किसी चीज से इंस्पायर होती हैं गाइस. तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम हम जैसे सॉल्व करते हैं, उसी से ये इंस्पायर है. तो ये क्वेश्चन आता है गाइस 3 मार्क्स के लिए. तो आपने इसके पहले भी जो पॉइंट हमने पढ़े हैं वो लिखे तो भी चलेगा, और ये नए कुछ यहाँ पे पॉइंट अगर ऐड हुए होंगे तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. तो आपको ये साइड में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतने पॉइंट लिखे तो भी हमारे सफिशिएंट हैं. अब इस ऊप के साथ बहुत सारे नए नए फीचर्स, नए नए चीजें भी ऐड हुई हैं इसके साथ, और साथ ही साथ में इसकी हम डेफिनेशन भी देखते हैं. अब तक हमने ऊप की डेफिनेशन देखी नहीं, तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऊप. थोड़ी सी बड़ी सी डेफिनेशन है, फर्स्ट ग्लांस में ये डेफिनेशन नहीं समझती है, एक दो बार
बार पढ़ने के बाद, उसे एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करने के बाद, और आपका जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है जो इसके पहले हमने लिया है कि प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं ओके, वो सब कुछ मिला के अगर आप इसको देखोगे अच्छे से, तब आपके डेफिनेशन अच्छे से समझ जाएंगी और साथ ही साथ में याद भी हो जाएंगी। तो गाइस थोड़ी देर पहले हमने एक क्लास बनाया था, क्लास का नाम था नंबर। तो यही एग्जाम्पल हमारे थ्योरी टॉपिक में आगे आगे आते रहेंगे। तो इसको हमको एक बेस मानना है इस प्रोग्राम को, इसी का यूज करके हम बहुत सारे कंसेप्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे क्लास का नाम क्या है? नंबर। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो सेक्शन बनाए हैं, एक है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक, और एक वेरिएबल बनाया है, उसको रीड कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया n1, n2 एंड n3, तो क्या हो जाता है गाइस, n1 के लिए अलग से a की वैल्यू, n2 के लिए अलग से a की वैल्यू, एंड n3 के लिए अलग से a की वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा के लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन बनते हैं। साथ ही साथ में आप थोड़ी देर के लिए ऐसा भी कंसिडर कर लो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए, फंक्शन के लिए भी अलग अलग मेमोरी बनती है। तो इसलिए तो यही तो हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे कि क्या होता है, एक अप्रोच है, वो क्या करता है कि ये जो एरिया होता है मेमोरी का, उसको पार्टीशन कर देता है किसके लिए, डेटा और फंक्शन के लिए। डेटा और फंक्शन के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन अलोकेटेड होती हैं, और एक बार वो बन जाए तो दैट कैन बी यूज एज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ सच मॉड्यूल्स ऑन डिमांड। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना मतलब डिमांड क्रिएट करना कि आपको इस प्रोग्राम को यूज करना है, रन करने के लिए आप नए नए ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑलरेडी जो क्लास बनाया है, ऑब्जेक्ट बना के हम उसके क्या बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं एज अवर डिमांड। तो टेम्पलेट का मतलब मोल्डिंग, आपने मोल्ड वर्ड सुना होगा गाइस, या आपने सांचा ये वर्ड सुना होगा, जैसे मूर्तियां वगैरह बनाती हैं तो उसमें पिघला हुआ मेटल डालते हैं या मिट्टी डालते हैं, और उसे देखो एक बार जो सांचा बन गया उसमें आप बस चीजें डालते जाओ और उसकी नई नई कॉपी बनाती जाएंगी। तो इसी को टेम्पलेट बोलते हैं। एक बार मतलब ये जो क्लास है ना हमारा टेम्पलेट है, जितने ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उतनी उसकी कॉपी बनेंगे, जैसे मॉल्ड में होता है ना बिल्कुल वैसे का वैसा। तो डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, एक दो बार पढ़ने के बाद आपको ये समझ जाएंगे। तो इसके साथ और भी कंसेप्ट जुड़े हैं, वो भी हम देखते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स। आप देख ही सकते हैं ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन से हैं, n1, n2 एंड n3। मुझे बताओ बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्या हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं क्या? नहीं। और इसी से इसका इंट्रोडक्शन लिखा गया है, ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम को रन करने के लिए, इसलिए इसको बोला गया है ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। तो यहाँ पे हर चीज ऑब्जेक्ट है गाइस, आप में आपका ये लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, वॉट एवर, हर थिंग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहती है और उसके ऊपर हम कुछ मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको फंक्शंस बोलते हैं। ओके गाइस, तो ऑब्जेक्ट के साथ ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं। चीजें, ऑब्जेक्ट मतलब होता ही क्या है, चीजें होती है ना, चीजों की प्रॉपर्टी होती है और उसका हम यूज करते हैं, उसके ऊपर अलग अलग फंक्शन, अलग अलग टास्क हम परफॉर्म करके उसके ऊपर हम देख सकते हैं। जैसे कि एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा। तो देखो आपके पास मार्क्स हैं तो आप देखो आप उसके ऊपर कैसे मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डेटा के नाम के ऊपर मार्क्स हैं तो आप उसके कैलकुलेशन कर सकते हैं, टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, पास या फेल हुआ है कि नहीं ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं आप। तो ये फंक्शंस हो गए हैं जो उनके ऊपर, डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो यही हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे रियल लाइफ में चीजें होती हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग में हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हर चीज कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है क्लासेस, जो आप देख पा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास ही तो है। तो क्लास के अंदर देखो गाइस क्या होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंटेन डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट दैट डेटा, यानी कि इसके बारे में बात चल रही है। जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, इस क्लास की पूरी प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती हैं, तो उसमें डेटा भी आ जाता है और फंक्शन भी आ जाता है, इसलिए लिखा है ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट दैट डेटा। एन ए हमारा डेटा है और गेट डेटा और डिस्प्ले हमारे ये फंक्शंस हैं जो उसके ऊपर परफॉर्म होने वाले हैं, इसलिए ऐसा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। क्लास की एक्चुअल डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, फिलहाल ये कंसेप्ट जो नए नए आए हैं उसी के बारे में हम स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो हमने कुछ यहाँ पे बनाया है, द एंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ ए क्लास, यानी कि डेटा और फंक्शन को हम कंबाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लास। ओके, और ये इसकी जो कोडिंग है हमने खुद लिखी है ना, इसलिए इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, जैसे इंटीजर ए एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, इसकी कोडिंग आपने नहीं लिखी है, इंटीजर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए,
क्या रेंज होनी चाहिए वो आपने डिफाइन नहीं किए गाइस, वो तो कंपाइलर में पहले से ही थी तो वो बिल्ट इन है। बट बिल्ट इन में जैसे डेटा स्टोर होता है, नंबर स्टोर होते हैं, वैसे मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया होगा ऊप के, कि एक क्लास में मतलब आप एक डेटा टाइप में पूरा का पूरा प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वही तो यहाँ पे चीज़ है, तो आपने एक पूरा का पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया है क्लास के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं कि पूरा एंटायर डेटा और जो कोड होता है आप एक इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए क्लास। इसके बाद गाइज आपको तो पता ही है कि अगर प्रोग्राम को रन करना है क्लास के तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। और ये देखो ना, अगर इसको मैं मैच करके देखूँ, ये जो मेन में लिखा है मैं इससे मैच करके देखूँ, तो इंटीजर ए करने से आपने किया क्या है, ए नाम का आपने क्या बनाया है, वेरिएबल ही बनाया है ना। तो इंटीजर क्या है, बिल्ट इन टाइप डेटा टाइप है, तो आपने भी एन वन एन टू एन थ्री हमारे ऑब्जेक्ट हैं, बट है तो वेरिएबल ही ना, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ द टाइप क्लास। क्लास के वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है, तो आप ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं, ये तो पॉइंट है, आप ये भी पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपको तो और पता है, वंस अ क्लास इज डिफाइन वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू दैट क्लास। एक बार क्लास बन जाए ना, यहाँ तो जस्ट मैंने 3 कॉपी बनाई है ऑब्जेक्ट की, आप 1000 कॉपी बना सकते गाइस, उतनी बार एक ही नई नई कॉपी यहाँ पे बनेंगी। तो ये कुछ नए कंसेप्ट आए हैं ऑब्जेक्ट क्लासेस, ये आपको 1-1 मार्क्स दिला सकते हैं, बराबर प्रॉपर तरीके से आपको इनके डेफिनेशन उनके कंसेप्ट बराबर यहाँ पे लिखने हैं। तो और भी इसके साथ कुछ फीचर्स आए हैं जैसे कि इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस ये टॉपिक आगे भी आने वाला है, ये 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो इनहेरिटेंस जैसे बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस होता है ना गाइस, वैसे हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी इनहेरिटेंस होता है। जैसे कि आप लोग, आप किससे डिराइव हुए गाइस, आपके मम्मी पापा से डिराइव है ना, तो वैसे ही हमारे पास अगर कोई प्रोग्राम ऑलरेडी क्लास या प्रोग्राम बना के है, तो उससे नया प्रोग्राम बनाना, डिराइव करना, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन बिल्ड न्यू क्लास, हमारे पास ओल्ड क्लास है उससे नया क्लास बनाना, उसी को क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस। द न्यू क्लास रेफर्ड एज अ डिराइव क्लास, जैसे कि आप डिराइव्ड हुए हैं आपके मम्मी पापा से, वैसे ही ये हमारा डिराइव क्लास रहने वाला है। कैन इनहेरिटेड द डेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल क्लास, तो ओरिजिनल क्लास को या ओल्ड क्लास को बोलते हैं बेस क्लास। तो आप में आपके मम्मी पापा की हेरिटरिस्टिक आए हैं कि नहीं आए हैं, आए हैं ना गाइस, बिल्कुल वैसा ही प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में होता है। पुराना प्रोग्राम है उसमें जो भी फीचर्स हैं, उसमें जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा है, वो नए क्लास में आ जाता है। तो इसको तो हमको आगे पढ़ना ही है, बहुत सारे इसके टाइप्स वगैरह होते हैं और ये अलग से ही क्वेश्चन आता है। वैसे एक नया कंसेप्ट इसके साथ जुड़ा है और वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ये टॉपिक हमने लिटिल बिट थोड़ा सा पढ़ा है गाइस और आगे भी आने वाला है, ये 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फिज्म यानी टाइप। तो हमने ये टॉपिक पढ़ा कहां पे, जब हमने फंक्शन करके टॉपिक पढ़ा था, फंक्शन ओवरलोडिंग वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म के भी 2 टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम होता है, दूसरा रन टाइम होता है। तो हमने जस्ट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का भी एक एग्जांपल देखा है, दैट्स अ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये कांसेप्ट भी आगे हमको डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल जस्ट एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट करके हम यहां पे पढ़ रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मींस द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, एक ही फंक्शन के बहुत सारे टाइप बनाना। जैसे हमने एरिया नाम के फंक्शन से क्या किया था, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, ऐसा हमने कुछ निकाल के देखा था ना, या सर्कल का एरिया निकाल के देखा था, वैसे ही यहाँ पे ये टॉपिक होता है। तो ये टॉपिक हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल जस्ट एज ऐसा ही कुछ हमें इसको बस याद रखना है कि ये नया कंसेप्ट यहाँ पे है। तो गाइज आगे भी थ्योरी टॉपिक बहुत आने वाले हैं, तो वो पढ़ने के लिए आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज। तो पहले 4 लेक्चर में हमने वही तो देखा है, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसको फिर से देखो, उसकी प्रैक्टिस करो और तभी ये लेक्चर आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज आपको कुछ भी समझेगा नहीं और आप बीच में पूरा लेक्चर छोड़ दोगे। तो ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे, लिटिल बिट प्रोग्रामिंग C++ का नॉलेज के साथ भी आप ये सब कुछ चीजें पढ़ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये आज के टॉपिक समझे हो, तो नेक्स्ट क्लास में भी हमारे थ्योरी टॉपिक ही रहने वाले हैं। तो गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।